एक क्वेश्चन लॉजिक गेट का डेफिनेटली नीट 2024 में आने वाला है, लाइक 2015, 16, 17, 18, 19 रिपीटेडली ये क्वेश्चन रिपीट होता जा रहा है, और इसके दो पैटर्न पर लॉजिक गेट के क्वेश्चन आते हैं, डी मॉर्गन थ्योरम या फिर आपके वो उस फॉर्मूला बेसिस पे, तो वो आपको बिल्कुल अच्छे से करना है दो पैटर्न पे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं आपके, लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, मीटर ब्रिज, इनको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। और आपके मैं बता देता हूँ मीन फ्री पाथ पे कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सेम फॉर्मूला सेम चीज, बस रेशो पूछता है वो, तो एक क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है हर साल, ठीक है। हाफ लाइफ आप मान के चलो हर साल एक क्वेश्चन आता है, हाफ लाइफ आप फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो आप, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो रेडियो एक्टिविटी के अंदर, तो दोनों जगह ये चीज़ कॉमन है, तो आपको अच्छे से कर लेना, बिकॉज ये फिजिकल केमिस्ट्री में भी काम में आने वाला है और आपके फिजिक्स में भी काम में आने वाला है। सो ये सारी बात अपन करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम पठान फरमान खान एंड आई एम करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्सी तेलंगाना। सो बहुत बच्चे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर रहे थे और पूछ रहे थे कि सर हमारी बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो बहुत बढ़िया है, बट फिजिक्स में हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे हमारे मार्क्स इंक्रीज करें या हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। सो बेसिकली होता क्या है कि एक बच्चे ब्लाइंड अप्रोच से फिजिक्स पढ़ते हैं, वो लाइक पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि किस क्वेश्चन से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्वेश्चन आने की, वो वाले पैटर्न के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करते हैं, बल्कि वो एक ब्लाइंड अप्रोच की तरह सारे क्वेश्चन लगाने लग जाते हैं। बट ये जो आप टाइम है आपका, ये आपका एक स्ट्रेटेजिकली वाला टाइम आ चुका है, आपको स्मार्ट अप्रोच लगानी पड़ेगी। इस समय आपको वो क्वेश्चंस करने हैं, वो टॉपिक्स करने हैं जिससे डेफिनेटली 99% क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से करनी है, ताकि नीट 2024 के अंदर जैसे ही आपको वो क्वेश्चन दिखे आप फटाक से वो क्वेश्चन फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दो। सो ये एक बेसिक अप्रोच होती है एक एवरेज स्टूडेंट की। लाइक मैंने भी अपनी प्रिपरेशन टाइम पे इसी समय यही फोकस किया था कि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बहुत टाइम से, उन क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, उन क्वेश्चंस के पैटर्न करने का तरीका बढ़ा दो, जितने हो सके क्वेश्चंस करो उन पैटर्न के करो। तो उसी टॉपिक पे मैं आपको बताने वाला हूं कि डेफिनेटली आप अगर 20 से 25 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, आप मान के चलो अगर आपने ये सारे कर लिए तो ऑलमोस्ट आपके 100 मार्क्स आउट ऑफ 180 डेफिनेटली आपके आने के चांसेस हैं। तो इन टॉपिक्स को तो आपको करके ही जाना है, इसीलिए अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। तो अपन चलते हैं सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन। तो देखो यूनिट एंड डायमेंशन कहने को बहुत इजी टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे छोड़ भी देते हैं, नहीं पढ़ते हैं कि एक क्वेश्चन है क्या करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत मायने रखता है, बाय चांस आपने जो चैप्टर पढ़ा है यूनिट डायमेंशन को छोड़ के उससे टफ क्वेश्चन आ जाता है और यूनिट डायमेंशन से ईजी क्वेश्चन आ जाता है, लाइक डायमेंशन निकालने का ही आ जाता है, तो आपने तो चैप्टर पढ़ा नहीं तो आपके लिए तो दोनों टफ हो गए, तो आप तो कहीं ना कहीं पीछे हो गए ना रेस में। इसीलिए आपको जो मैं बताऊं वो आपको करके जाओ। यूनिट डायमेंशन में अगर आपने नहीं पढ़ा या आपने पढ़ भी लिया तो आपको ये टॉपिक जरूर अच्छे करके जाना है, डायमेंशनल फॉर्मूला वाले जो क्वेश्चन हैं, लाइक MLT-1, MLT-2, ठीक है, कईयों के तो याद कर लेते अपन, फोर्स के, स्ट्रेस के, इन सब के तो याद कर लो। और उसके बाद ये इसके भी दो पैटर्न होते हैं, लाइक एक तो पूछता है कि भाई MLT के फॉर्म में आप डायमेंशन बता दो, या आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दे देता है, लाइक फोर्स दे देता है, वेलोसिटी दे देता है, ठीक है, और एरिया दे देता है, टाइम दे देता है, इसके बेसिस पे आप बता दो, तो आपको ये दो बेसिस पे आपको यूनिट डायमेंशन का बताना पड़ता है। तो इसको आप इन टाइप के क्वेश्चन के पैटर्न को आपको अच्छे से कर लेना है। दूसरी चीज़ आती है इसके अंदर एरर। बहुत सिंपल एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं एरर के अंदर। एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है ना ही डिवाइड होता है, एरर हमेशा ऐड होता है। एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, ओनली ऐड होता है, तो इस चीज़ को अच्छे से करना। मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं, लाइक डी बराबर जेड, जेड बराबर ए क्यूब इंटू डी, डी स्क्वायर अपॉन सी इंटू बी, लाइक इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं, तो मल्टीप्लाई जो उसकी जो न्यूमरेटर होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके बेसिक्स बेस से, तो ये अपन को करना पड़ता है। तो ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है, बिल्कुल आप मान के चलो क्वेश्चन आता ही आता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा कितनी बार ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है एरर के लिए। वर्नियर कैलिपर पहले ऐसा था कि पहले इस पर क्वेश्चन नहीं आते थे वर्नियर कैलिपर पे, बट विद इन अ ईयर्स 2-3 साल से क्वेश्चन लगातार आ रहा है वर्नियर कैलिपर पे या स्क्रू गेज पे। और वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पिच पूछता है कि पिच बता दो, लीस्ट काउंट आपसे पूछ लेता है, और आपसे कोई रीडिंग पूछ लेता है, तो इस टाइप के आप क्वेश्चन कर लो, वेल एंड गुड है, और आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। बस आपको यही करना है, यूनिट डायमेंशन में 3 तरह के क्वेश्चंस आपको करने, वो मैंने बता दिए, डायमेंशन निकालना, एरर और आपके वर्नियर कैलिपर, बस ये कर लो, आपका खत्म है कंप्लीट। इसके अलावा आप अगर आपने नहीं पढ़ाया तो इन टाइप के क्वेश्चंस करके जाओ, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं अपन, दूसरा चैप्टर है काइनेमेटिक्स। देखो काइनेमेटिक्स के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको पढ़ना है इक्वेशन, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन,
बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आपको वो ध्यान रखना है कि जैसे एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि एक पोल यहाँ है एक पोल यहाँ है, तो एक ट्रेन को इस पोल से लेके उस पोल तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है s = u²v²t, तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करने। एवरेज वेलोसिटी पे क्वेश्चन आता है कि t1 टाइम में v1 वेलोसिटी चला, t2 टाइम में v2 वेलोसिटी चला, तो आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है फ्री फॉल के क्वेश्चन, आपको पता है कि t = √2hg होता है, तो वो हर टाइम एक कांस्टेंट टाइम पर होता है, ठीक है, इतना ऊपर जाएंगे उसी हिसाब से वो चीज़ें एक सिमेट्री के अंदर होती है, तो वो सिमेट्री अच्छे से करनी है, उसकी एक ट्रिक होती है, वो आप अच्छे से याद कर लें। और प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ, प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, y = x tan θ1 - x / r, ये एक इकलौती क्वेश्चन है, इससे आपको सारे प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो जाते हैं, तो आप कोशिश करो कि प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन इनके अच्छे से करके जाओ। प्रोजेक्टाइल अलग चीज़ है, फ्री फॉल अलग चीज़ है, फ्री फॉल में तो सिर्फ यू होता है और प्रोजेक्टाइल के अंदर यू जाता है, ठीक है, तो ये एक्स और वाई कंपोनेंट, दो कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल के अंदर यूज होते हैं, जबकि फ्री फॉल के अंदर सिर्फ एक कंपोनेंट यूज होता है, वो है वाई कंपोनेंट, ठीक है, तो ये एक डिफरेंस आता है, इसलिए फ्री फॉल के जो फॉर्मुलेज होते हैं वो थोड़े चेंजेस हो जाते हैं प्रोजेक्टाइल के लिए, ठीक है। इसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी पे भी बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और आप मान के चलो 2-3 साल से लगातार पैटर्न है कि क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइक रिवरमैन और अपना रेनमैन प्रॉब्लम, ठीक है, बोट वाला जो प्रॉब्लम है, और एक आपका जो अम्ब्रेला प्रॉब्लम है, ये सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो आपको इनके पैटर्न्स अच्छे से करके जाने। तो ये मैंने आपको बेसिक समझा दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला, अगर आपने काइनेमेटिक्स में ये सारे कर लिए तो आप मान के चलोगे आपके 90% क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, तो इन क्वेश्चन को तो आप अच्छे से कर लो, मतलब जो मैं बता रहा हूँ इनको तो आप अच्छे से जरूर करके जाना नीट से पहले, ठीक है, बाकी आपको जो करना है नहीं करना वो आपके ऊपर है, पर मैं ये जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल आपको बेसिक है, इनको तो करना ही पड़ेगा आपको, अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। नाउ अपन तीसरा टॉपिक उठाते हैं मॉडर्न फिजिक्स। देखो मॉडर्न फिजिक्स आपको पता है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कितनी इजी पोर्शन है, इतना टफ पोर्शन नहीं है, सब फॉर्मूला बेस्ड है, और आपने ये कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, क्योंकि 11th के में अंदर जो आपकी जो केमिस्ट्री है उसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर वो जो चैप्टर है उसके अंदर भी सेम यही पूरा बोहर मॉडल पूरा आपका सेमीकंडक्टर से रिलेटेड सब चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मॉडर्न के अंदर आपको सबसे पहले करना सेमीकंडक्टर आपको पता है पीएन जंक्शन है, डॉपिंग के क्वेश्चंस हैं, फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये सारे अच्छे से करने हैं, और आपके लॉजिक गेट मैंने आपको बता दिया है, और पीएन जंक्शन बहुत इजी है, कुछ नहीं है उसके अंदर, आपको बस वोल्टेज चेक करना होता है, कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है कहाँ से कहाँ जाता है, वो आपको चीज़ें चेक करनी होती है वोल्टेज में, वो सारे हो जाएगा आपसे, ठीक है। बोहर मॉडल सिंपल बोहर मॉडल है, उसके आपको डीमेरिट्स याद कर लेनी है, कई बार डीमेरिट्स पे स्टेटमेंट बेस्ड लाइक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ड्यूअल नेचर के अंदर डी ब्रोगली इक्वेशन = hc/λ, और आपकी जो फोटोइलेक्ट्रिक है = hν, इस पर आइंस्टीन इक्वेशन जो है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप आइंस्टीन इक्वेशन को बहुत अच्छे से करके जाना, आइंस्टीन पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, आइंस्टीन वाली मॉडिफाइड जो इक्वेशन है वो वाली। और रेडियो एक्टिविटी पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एक तो आपके हाफ लाइफ पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक अल्फा डीके बीटा डीके, बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव, तो आप मान के चलो बीटा नेगेटिव पे तो हर साल क्वेश्चन आ रहा है, तो बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव इनको भी आप अच्छे से समझ के जाएं, कोई भी कंफ्यूजन नीट के टाइम पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन तो सिंपल आया था कि बीटा नेगेटिव में क्या एमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि पॉजिट्रॉन होते हैं, तो एक क्वेश्चन तो सिंपल ऐसा ही पूछा गया था लाइक नीट 2020 के अंदर या 2021 के अंदर, तो इतने सिंपल भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों को अच्छे से करके जाना है, ठीक है, इससे पहले। तो ये पहला पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट और बनाऊंगा, आपको कोई डाउट हो क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से इंस्टाग्राम पे @medicopathan, या मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2024, थैंक यू।